हाय फ्रेंड्स, मैं हूं सजदा और आज मैं आपको बताऊंगी कि आप घुटनों के दर्द से कैसे निजात पाएं। घुटनों का दर्द बेहद तकलीफ देह होता है। इसे दूर करने के लिए दवाइयों के साथ साथ कुछ घरेलू इलाज काफ़ी काम आते हैं। घुटनों का दर्द की समस्या बेहद आम हो चुकी है। इस परेशानी से ना केवल बड़े बुजुर्ग बल्कि कम उम्र के लोग भी दुखी रहते हैं। अगर आपके परिवार में किसी को जोड़ों का दर्द की परेशानी है तो यहाँ मैं आपको एक ऐसा ड्रिंक बनाना सिखाऊंगी जिसका सेवन करने से राहत मिल सकती है। इस ड्रिंक का कोई साइड इफेक्ट नहीं होगा। इसे पीने से ना सिर्फ घुटनों का दर्द ठीक होता है बल्कि शरीर को भी ताकत मिलती है। इस ड्रिंक को रात में सोने से पहले पीना चाहिए। 20 दिनों तक इसका सेवन करने से घुटनों के दर्द में काफ़ी ज़्यादा आराम मिलता है। वे लोग जिनके घुटनों में काफ़ी ज़्यादा तकलीफ रहती है वो इसे कम से कम 2 महीनों तक रोज पिए। अब चलिए जानते हैं इसे बनाने की विधि। आधा छोटा चम्मच काली मिर्च ले, 1 छोटा चम्मच जीरा ले, 1 छोटा चम्मच मेथी दाना ले। इसे बनाने के लिए सबसे पहले मेथी को मिक्सर जार में डालकर ग्राइंड करें। उसके बाद इसे छन्नी की मदद से एक बार छान लें और फिर इसे एक अलग कटोरे में रख लें। अब काली मिर्च के दानों को मिक्सी में पीसकर उसके पाउडर को छान लें। अब आखिर में जीरे को भी ग्राइंड करें और पाउडर को छानकर कटोरे में रख लें। अब इन सभी पाउडर को एक साथ मिक्स करें और एक एयरटाइट कंटेनर में डाल दें। अब 1 गिलास पानी में 1/2 चम्मच तैयार पाउडर डालें। इसे अच्छी तरह से मिक्स करें। ड्रिंक पीने के लिए तैयार है। यह ड्रिंक आपको थोड़ा सा तीखा लग सकता है, इसलिए अगर आप चाहें तो इसमें थोड़ा सा गुड़ मिक्स कर सकते हैं। मेथी का उपयोग कई बीमारियों के इलाज के लिए किया जाता है। अधिक वजन वाले लोगों को घुटनों में दर्द की समस्या काफ़ी आम रहती है, इसलिए ये जीरा का पानी या केवल जीरा चबाने से भी वजन कम करने में मदद मिलती है। काली मिर्च में पाया जाने वाला पिपरिन एंटीऑक्सीडेंट और एंटी इन्फ्लेमेटरी गुणों के कारण घुटनों की सूजन और दर्द को कम करने में मदद करता है। घुटनों के दर्द में घरेलू इलाज के साथ साथ डॉक्टरी इलाज करवाना ना भूलें। इसके अलावा सही लाइफस्टाइल और सही खान पान भी रखें। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों को शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को ज़रूर दबाएँ ताकि आपको मेरे वीडियो से रिलेटेड नोटिफिकेशन मिलता रहे। बाय बाय फ्रेंड्स।